उसके बाद पेंटिंग पेंट सॉरी पेंट पे आते हैं. सो पेंट में मैं कैमल का आर्टिस्ट ऑयल कलर पेपर बैक टू माई चैनल दिस इज सिमी एंड आज मैं ऑयल पेंट्स के ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ. एक्चुअली मुझे ऑयल पेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है. मैंने लाइक मेरा कोई गाइड नहीं है, जैसे कि आपको पता है मैंने कहीं से सीखा नहीं है. जो भी करती हूँ मैं खुद से करती हूँ और यूट्यूब वीडियोज़ देखती हूँ बस. और स्पेशली मैं कोई क्लासेस वगैरह में नहीं गई हूँ इसलिए मुझे बेसिक्स वगैरह नहीं पता है. सो इसलिए मैं ऑयल पेंट्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है. किसी ने मुझे गाइड नहीं किया कि क्या क्या लेना पड़ेगा क्या नहीं लेना पड़ेगा. सो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे, उसमें से देख के मैं कुछ मटेरियल्स लाई हूँ क्योंकि मुझे ऑयल पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा. और वीडियोज़ देख के मैं कुछ जो चीज़ें लाई हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ. पहले तो है ये कैनवस, ये मैं टोटल 5 कैनवस लाई हूँ मैं और 3 साइज़ के हैं ये. सबसे बड़ा वाला है 20x24 inches का और उससे छोटा वाला है 16x20 inches का और उससे सबसे छोटा वाला 12x16 inches का है. सो ये 3 साइज़ के कैनवस, ये 3 साइज़ के कैनवस मैं लाई हूँ. टोटल 5 हैं, दो छोटे वाले दो हैं और बड़ा वाला एक ही है. और सो अब हम पेंट्स के बारे में बात करते हैं कि मैंने कौन कौन से पेंट्स खरीदी हैं. एक्चुअली मैं एक सेट लाया है मैंने. मैं थोड़ी कंफ्यूजन में थी. एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं. सो उनमें से एक यूट्यूबर ने कहा, एक आर्टिस्ट ने कहा कि हम ऑयल पेंट्स में कैसा होता है कि 5 कलर हैं, जैसे अल्ट्रामरीन ब्लू, टाइटेनियम वाइट, बर्नट अम्बर और कैडमियम रेड और एक शायद कैडमियम येलो था वो उन्होंने जिसके बारे में कहा था. ये 5 कलर होने से हम दुनिया में जितने भी कलर हैं वो बना सकते हैं मिक्स करके. सो ऐसा ऑयल पेंट में ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, मुझे नहीं पता था. अगर मुझे पता होता तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती, लेकिन मैं शॉप में स्पेशली यही चीज़ जो शॉपकीपर हैं जो दुकानदार हैं मैंने मुझे उनसे पूछना था कि मैं क्या वो 5 कलर्स लूँ या एक सेट ख़रीद लूँ. ऑब्वियसली दुकानदार तो बोलेंगे आप सेट ही ख़रीद लो, उनका बिक जाएगा. लेकिन फिर भी मैंने जिनसे ख़रीदा वो बहुत अच्छे हैं. जो ज़रूरत है उन्होंने वही दिया, उससे ज़्यादा लाइक चलो बिक जाएगा बोल के ऐसा नहीं किया उन्होंने. सो मैंने एक उससे पूछा कि ये 5 कलर चाहिए, तो मैं सीख रही हूँ उनसे कहा कि मैं लाइक ये स्टार्टिंग है, मैंने पहले कभी ट्राई भी नहीं किया ऑयल पेंट. सो उन्होंने कहा पहले आपने ट्राई नहीं किया है और आपको पता नहीं है इसके बारे में. आप कोई पेंटिंग करोगे आपको कोई कलर का ज़रूरत पड़ जाएगा क्योंकि इन 5 कलर से बना सकते हैं, लेकिन आप सोचो आप ऐसा वाला कलर नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग बिगिनर के लिए बहुत ही कंफ्यूजन होगा कि ये कलर कैसे लाए, ये मिक्स करे वो मिक्स करे. हज़ारों वीडियोस देखें और मेरा मुझे तो किसी ने सिखाया भी नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं है कौन सा कलर मिक्स करने से कौन सा कलर आएगा. मैं थोड़ा सा ऐसा ऐसे करके कर लेती हूँ, ठीक है. सो उन्होंने कहा कि एक सेट रखना अच्छा होगा. सो मैंने एक सेट ख़रीदा है, ये कैमल का आर्टिस्ट ऑयल कलर 12 शेड्स का है. सो मैंने एक सेट ख़रीद लिया और अलग से मुझे जो 5 कलर चाहिए थे वो 5 कलर इसके अंदर नहीं है, वो सिर्फ येलो है और ये 4 कलर नहीं है. सो मैंने ये अलग से ख़रीदा, एक तो है बर्नट अम्बर और टाइटेनियम वाइट, कैडमियम रेड डीप और अल्ट्रामरीन ब्लू. ये 4 कलर मैंने अलग से ख़रीदा, येलो उसके अंदर था इसलिए उन्होंने नहीं दिया. ये 4 नहीं थे इसलिए मैंने ये 4 अलग से ख़रीदे हैं. अब बात करते हैं ब्रशेस के बारे में. मुझे और एक यूट्यूबर ने कहा कि हम हर एक पेंट ब्रश
हर एक पेंट ब्रश हम ऑयल पेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऑयल पेंट्स के लिए अलग से ब्रश होते हैं। सो मैंने ऑयल पेंट के लिए अलग से ब्रश खरीदे हम, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो मेरे पास पड़ा है घर पे ऑलरेडी है, वो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए मैंने ऑयल पेंट के लिए स्पेशली ये ब्रशेस खरीदे हैं। लेकिन वो दुकानदार जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम हर एक ब्रश यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे पता नहीं है, मैंने ये दो ब्रशेस खरीदे हैं, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये दो साइज के हैं और मैंने कुछ फ्लैट ब्रशेस का एक सेट ही खरीद लिया। इसमें हर एक साइज है, सबसे बड़ा वाला 12, देन 10, देन 8, 6, 4, देन 2, देन 0। टोटल 5, 6, 7 ब्रशेस हैं इसके अंदर, फ्लैट ब्रशेस। सो ये एक सेट ख़रीदा है मैंने, और एक जेल, वाइट जेल पेन। ये एक्चुअली मेरा जो पुराना वाला था वो अचानक से लिखना बंद हो गया और वो लिख ही नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश किया उससे, वो चल ही नहीं रहा है, वो गया, वेस्ट हो गया, वो पता नहीं क्या हो गया था उसको। सो मैंने और एक ख़रीद लिया, एंड मैंने 3 राउंड ब्रशेस ख़रीदे हैं। दो, एक तो 2 नंबर का है और बाकी 2 0। ये डिटेल्स के लिए चाहिए था और मैंने इसमें से एक ब्रश यूज़ भी कर लिया। और ये ब्रशेस बस इतने ही ख़रीदे हैं, और पुराने ब्रशेस घर पे पड़े हैं, बहुत सारे ब्रशेस हैं, वही मैं यूज़ कर लूँगी। इसके बाद आते हैं ऑयल। एक्चुअली हमें हम जैसे वाटर कलर में वाटर डाल के हम आराम से मिक्स करके फिर उसे क्योंकि वो ज़्यादा थिक होता है, हमें थोड़ा पतला चाहिए होता है, तो हम वाटर ऐड कर लेते हैं। सो वो वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल में तो ऐसा नहीं होता है ना। सो ऑयल पेंट्स के लिए हमें अलग से ऑयल लेना पड़ता है। ये लिंसिड ऑयल है, और एक वीडियो में मैंने देखा कि ये बहुत भयंकर है। ये उन्होंने टिश्यू पेपर में इस ऑयल को डाला, एंड उन्होंने 2 घंटे के लिए नॉर्मल घर के बाहर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसे छोड़ दिया उसको एक डब्बे के अंदर डाल के, एक टिश्यू पेपर्स और क्लोथ्स के साथ डाल के। सो 2 घंटे बाद वो ये ऑयल हीट प्रोड्यूस करता है, तो अचानक से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये आग जलने लगता है। बहुत डेंजरस है, आप कोई ठंडा और डार्क जगह पे रखो, क्योंकि ये ऐसे खुला मत छोड़ो, कोई टाइट ये बॉटल अच्छे से बंद करके रखा कीजिए। सो इसके ऊपर लिखा भी है कोई ठंडा और डार्क जगह पे रखने के लिए, गर्म जगह पे ना रखने के लिए, क्योंकि ये ऑयल बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। सो ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा, एंड ऐसा होता भी है, मैंने सुना भी है। और ये एक्चुअली ये ऑयल चाहिए होता है आपको, जैसे हम वाटर कलर्स में वाटर ऐड कर लेते हैं और एक्रेलिक में हम मीडियम ऐड करते हैं। सो ये मीडियम है लिंसिड ऑयल, हम ऑयल पेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। आपको जितना थिक चाहिए, जितना थिन चाहिए, हम ये ऐड करके कर सकते हैं। सो आप गलती से भी वाटर मत यूज़ कीजिएगा ऑयल पेंट्स के अंदर, ठीक है। और ये है, और एक मैंने टर्पेंटाइन ख़रीदा है। ये एक्चुअली क्या होता है कि ऑयल पेंट सूखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। किसी ने कहा कि टर्पेंटाइन हम ऑयल पेंट के अंदर ऐड करने से ये थिनर के जैसा भी काम करेगा, जैसे लिंसिड ऑयल काम करता है, और ये यूज़ करने के बाद पेंट जल्दी सूख जाएगा। मुझे पता नहीं है कि ये सही है कि गलत है, अगर गलत है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ऐसा मैंने सुना है, इसलिए मैंने ये टर्पेंटाइन ख़रीदा है। और ये और एक काम भी आता है, ये ऑयल पेंट ब्रशेस और एक्रेलिक जो ब्रश होते हैं वो क्लीन करने के लिए, पेंटिंग के बाद क्लीन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, और पेंट के अंदर थिनर के जैसा भी यूज़ किया जाता है। एंड इसे ऐड करने से ऑयल पेंट के अंदर इसे ऐड करने से ऑयल पेंट जल्दी सूख जाता है, जो 1 हफ्ता लेने वाला है वो 2 दिन में सूख जाएगा, ऐसा काम करता है ये। सो ये टर्पेंटाइन का एक डब्बा लिया है मैंने। और
ऑयल पेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लाइक धूल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल होता है वहाँ पे नहीं रखना चाहिए, उसे अच्छे से कवर करके रखना चाहिए सूखने के बाद। सूखने से पहले कवर मत कीजिए, वो गंदा हो जाएगा। ऑयल पेंट करके कहीं पे हैंग करके रख दीजिए, वो सूखने के बाद आप उसे कवर कर सकते हो। लेकिन और एक वो धूल से बच के रहे इसलिए वार्निश लगाते हैं, ये ऑयल पेंट्स के लिए है, ठीक है। ऑयल पेंट्स के लिए वार्निश ख़रीदा है मैंने। सो ये पेंटिंग कम्प्लीटली जब सूख जाएगा उसके बाद आप वार्निश लगा सकते हो। और वार्निश का एक लेयर, थिन लेयर, एक या दो, कुछ लोग तीन लगाते हैं, थिन लेयर्स लगाते हैं। सो ये आपको धूल, मिट्टी वगैरह, जितने भी डस्ट वगैरह, उससे प्रोटेक्ट करता है आपकी पेंटिंग को, इसलिए वार्निश। बस इतनी चीज़ें ख़रीदी हैं मैंने, और एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदी हैं। ये एक्चुअली ये पेंट का डब्बा है, ये एक्रेलिक बेस्ड है, ये ग्लो इन द डार्क पेंट। ये पेंट आप जहाँ पे लगाओगे, आप थोड़ी देर इसे लाइट में अच्छे से छोड़ दोगे इसको ऐसे। मैं अभी लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ, मैं इसे थोड़ी देर के लिए लाइट के पास रख रही हूँ, देन मैं लाइट को ऑफ कर दूंगी, ये ग्लो करेगा। कैन यू सी दैट? ओह वाह। सो ये पेंट ग्लो इन द डार्क पेंट है। सो ये वाला भैया को आपको पता होगा, मेरा और एक चैनल है भैया, जो मेरे भैया चलाते हैं, वो सिट्स फन ब्लॉग्स, वहाँ पे मैं कस्टम टी शर्ट्स, जीन्स वगैरह बनाते हैं हम। सो मैं ही उसमें पेंटिंग वगैरह करती हूँ, फैब्रिक पेंटिंग, वो टी शर्ट्स पे होता है। आपको कूल आइडियाज़ मिल जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। सो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसके ऊपर होगा, ग्लो इन द डार्क। मैं एक पैच वर्क कर रही थी एक हुडी के ऊपर, सो उसमें मैंने ये यूज़ किया है, और वो ग्लो हल्का हल्का कर रहा है लाइट में, लेकिन ये डब्बा तो बहुत चमक रहा है लाइट के अंदर। देखो आप, चार्ज भी नहीं किया मैंने, ये आराम से चमक रहा है ये। लेकिन वो वाला मैंने तीन लेयर लगाए हैं, फिर भी वो कम कम थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, लेकिन अंधेरे में मैंने नहीं देखा। सो मैं वो वीडियो कुछ ही दिनों में हम पोस्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, आप जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने बस इतनी चीज़ें खरीदी हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मुझे नहीं पता और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती है ऑयल पेंट्स के लिए। ओह, और एक चीज़ भूल गई मैं, पेपर। एक्चुअली कैनवस, एक कैनवस का रेट भी क्या मुझे नहीं पता, मैं आपको देख के बोलती हूँ। यहाँ पे बिल है मेरे पास, ये रहा, मिल गया मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे छोटा वाला जो है 12x16 inches का, उसका प्राइस है 100, और उससे ऊपर वाला, सॉरी हाँ, सबसे छोटा वाला 100 का है, और मीडियम वाला 16x20 inches का, वो 130 rupees का है, और सबसे बड़ा वाला 20x24 inches का, वो 160 rupees है। सो कैनवस में बहुत ज़्यादा ये डिस्काउंट लगा के दिया था उन्होंने, कैनवस में बहुत ज़्यादा चला जाता है, उसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है। सो इसके लिए हम पेपर भी मिलता है आपको, लेकिन वो मुझे पता नहीं है कौन से कंपनीज़ का कौन कौन सा पेपर मिलता है। बहुत सारे वीडियोस से अब मेरे पास टाइम नहीं था वो देखने के लिए, सो मैंने उन्हीं से पूछा कि ऑयल पेंट के लिए कोई पेपर वगैरह होगा तो आप प्लीज़ दिखाइएगा। सो उन्होंने दिखाया ब्रोस्टो का आर्टिस्ट ऑयल पेंटिंग पेपर, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, A4 साइज़ का है, 300 GSM का पेपर है ये, और टोटल 8 pages हैं इसके अंदर। लेकिन ये पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने अभी तक पेंट नहीं किया, मेरा फर्स्ट ऑयल पेंटिंग मैं इसी के ऊपर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये पेपर।
टच करके ही ना आपको एक अलग सा फीलिंग आएगा, क्योंकि ये स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पेपर है और इसमें पेंट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो मेरा फर्स्ट ऑयल पेंटिंग मैं इसी पेपर के ऊपर बनाऊँगी, लेकिन ये पेपर बहुत ज़्यादा छोटा है, इससे बड़ा साइज़ का नहीं था, ये A4 साइज़ का है, इससे बड़ा पेपर नहीं था उनके पास। सो मेरा फर्स्ट वीडियो मैं इसी पेपर के ऊपर बनाऊंगी। सो आप अपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आप नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, सबसे पहले वीडियो आप नहीं देख पाओगे, इसलिए आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो। सो ये एक सेट है पेपर का और मैंने इतनी चीज़ें खरीदी हैं और बाकी कुछ नहीं है। सो ये वीडियो यहीं तक, बस यहीं तक का था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक कमीशन वर्क 2020 का फर्स्ट कमीशन वर्क बनाने जा रही हूँ 2020 में। सो स्टे ट्यून्ड, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया हो तो, एंड जिन्होंने पहले से कर लिया उनके लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।